हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की मीठी चटनी, जो कि शादी ब्याह में हलवाई लोग बनाते हैं। हम उसी तरह आज बनाने की कोशिश करेंगे। चटनी बनाने के लिए हम 1 किलो टमाटर लिए हैं, 500 ग्राम गुड़ है, 1 कटोरी चीनी है। चीनी से इसमें थोड़ा सा शाइनिंग आ जाता है, और किशमिश, बादाम, काजू, तेजपत्ता, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन सब बूंदी है, नारियल का बुरादा है और मखाना भी है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है। ये टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे। इसमें हम डाले हैं रिफाइंड ऑयल और धीमी आंच पे हम सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ ही भून लेंगे। ये लगभग ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मखाने को भून लेंगे। मखाने को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये जले ना। और अब हम मखाने को निकाल के उसी तेल में हम डाले हैं 5 फोड़न और 2 तेज़पत्ता, 3 लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये सभी ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसमें डाले हैं हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सभी सूखा मसाला था, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक भूनेंगे नहीं, क्योंकि ये जल जाता है बहुत जल्दी ही। इसीलिए हम तुरंत इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड किए हैं, 1/2 चम्मच नमक और 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा नारियल का बुरादा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम गुड़। इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे, सभी एक समान मिल जाए, और 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये जो गुड़ है ये टुकड़ा टुकड़ा है, तो ये उबलने लगेगा तो ये गल जाता है। इसे हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे और लगातार चलाते हुए। अब इसमें हम भुने हुए सभी ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। ये जब उबलने लगता है तभी आप इसमें इन सब को डालें और 10 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये लगभग पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करें हैं बूंदी। इसे भी 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। ये 2 मिनट में ही खिल जाता है और बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा चमक आ गया है और ये टमाटर की चटनी बन चुकी है। इसमें जब चमक आता है तभी ये समझिए कि ये पक चुका है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। इसे 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।